जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा, क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं 2 एक्स यूजर, मुस्लिम भीड़, 6 अंतर्राज्यीय चोर और 1 गौ तस्कर। इन सभी का सारा काला चट्टा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 2 अज्ञात लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने ये कार्रवाई 2 एक्स यूजर्स के खिलाफ की है। इन 2 एक्स यूजर्स पर FIR दर्ज हुई है। उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद कंगना रनौत का वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया साइट X पर वायरल करने का आरोप है। 2 अलग अलग X अकाउंट से ये वीडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद 2 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गोमती नगर स्थित गोल्डन कृष्ण अपार्टमेंट में रहने वाले रवि प्रकाश ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक यूजर ने अपने अकाउंट @FactsBJP से एक वीडियो पोस्ट किया जो एडिटेड था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के अंश के साथ सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के वीडियो को एडिट करके उसे आपत्तिजनक बनाकर दिखाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्सपर्ट इजहार आलम नाम के युवक ने अपने अकाउंट @IzharAlam00786 से मुख्यमंत्री का एक वीडियो एडिट करते हुए पोस्ट किया। दोनों मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं DCP सेंट्रल जोन रवीना त्यागी ने कहा कि पुलिस मामले में यूजर ID के जरिए आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में लखनऊ की DCP सेंट्रल जोन रवीना त्यागी ने बताया कि सोशल मीडिया साइट X पर CM योगी आदित्यनाथ और सांसद कंगना रनौत को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस मामले में रवि प्रकाश नाम के व्यक्ति ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस यूजर्स का पता लगा रही है, मामले की जाँच चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 7 जून 2024 को मौलाना फारूक नाम के एक मदरसा संचालक की हत्या हो गई थी। तब मुस्लिम भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए ना सिर्फ पुलिस पर पत्थरबाजी की बल्कि आरोपियों के घर में भी घुसने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि मामला प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र के सोनपुर गाँव का है। यहाँ 7 और 8 जून को हुई हिंसा के बाद मुस्लिम भीड़ ने पत्थरबाजी तक की। हमलावर भीड़ आरोपियों के घरों में घुसने की कोशिश कर रही थी, तब से गांव में पुलिस तैनात है। माहौल को देखते हुए हिंदू समुदाय के लोग घरों में ताला लगाकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के वहां चले गए हैं। वहीं डर से शरणार्थी बन चुके इन परिवारों को जिला प्रशासन कई बार सुरक्षा देने और सुरक्षित रहने का भरोसा दे रहा है। इसके बावजूद कई परिवार घर लौटने को तैयार नहीं है। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ करने वालों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक्शन नहीं लिया गया है। आरोप ये है भी हिंसक भीड़ ने उन हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया जिनका मौलाना फारूक की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। इसी बीच प्रशासन के लाख समझाने और पुलिस की तमाम पाबंदियों के बावजूद समाजवादी पार्टी के सदस्य मृतक मौलाना फारूक के घर पहुंच गए। सपा के इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर और पूर्व MLC उदयवीर सिंह मौजूद थे। हालांकि पीड़ित हिंदुओं के घर किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते हिंदू संगठनों ने भी इस मामले में दखल देना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर ऐलान किया कि किसी भी रूप से एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गांव के हिंदुओं की सुरक्षा भी तय करने की प्रशासन से अपील की है। हिंदू संगठनों ने एक पक्षीय आवाज उठाने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और कठोर शब्दों के साथ उनकी निंदा की है। वहीं मौलाना हत्याकांड में अब तक पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम देवी प्रसाद पांडे, चंद्रमणि तिवारी और उनकी पत्नी सीता तिवारी है। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 147, 148, 302 और 34 के तहत कार्रवाई की गई है। तो दूसरी तरफ मौलाना फारूक की हत्या के बाद सोशल मीडिया में तमाम इस्लामी और वामपंथी हैंडलों ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। कई हैंडलों ने इसे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम स्कॉलर्स की टारगेट किलिंग के तौर पर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस जांच में स्पष्ट हो गया है कि इसमें से एक भी हत्या टारगेट किलिंग या सांप्रदायिक मंशा से नहीं हुई थी। इस मामले में हत्या की वजह पैसों और जमीनी विवाद निकला है।
अगली खबर में बात पुलिस के एक्शन की, जहां ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, भाग गए, जिसमें गैंग लीडर कुलदीप का नाम भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि ये गैंग ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन साइटों पर चोरी किया करता था। पुलिस के मुताबिक रघुपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास सेक्टर 20 में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। यहां के ठेकेदार ने 11 जून को साइट से 5 लाख के पाइप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए चोरी का माल भी बरामद कर लिया है और पिकअप वाहन भी बरामद किया गया है। ये लोग लेबर बनकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। रघुपुरा थाना पुलिस ने अजय पुत्र रमेश, अजय पुत्र जगदीश, प्रताप उर्फ मोनू पुत्र राकेश कुमार, लवकुश पुत्र योगेंद्र कुमार, इलियास उर्फ इयास पुत्र समीम और विकास पुत्र महेंद्र पाल को मिर्जापुर कट बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही कुलदीप और हसन मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एडिशनल DCP अशोक कुमार ने बताया कि इस गैंग लीडर कुलदीप है, जो लेबर को पैसे का लालच देकर गैंग में शामिल कराता था और उन्हें हेलमेट और अन्य सामान से सुनिश्चित कर साइट वर्कर के रूप में ले जाकर निर्माणाधीन साइटों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था, ताकि किसी को कोई शक ना हो, कोई संदेह ना हो। पुलिस इन लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। एडिशनल DCP अशोक कुमार ने बताया कि कुलदीप अलग अलग वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग अलग लेबरों को गिरोह में शामिल करता था। इसके पहले मैं भी बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, इलाहाबाद में भी इसी प्रकार की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिसमें ये जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार अजय पुत्र रमेश पहले भी थाना अकबरपुर, जिला अंबेडकर नगर और थाना चाणक्यपुरी दिल्ली से चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है। वही सरगना काटन बम बनाने का एक्सपर्ट है, उसके खिलाफ फतेहपुर जिले के कल्याणपुरी थाने में विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा चित्रकूट, बांदा समेत अलग अलग शहरों में 5 केस दर्ज है। आरोपियों ने बताया कि कुलदीप पहले ठेकेदार था, करीब 8 साल पहले उसने वारदात करनी शुरू की, बाद में उसने गिरोह बना लिया। फरार सरगना और एक अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आखिरी खबर एक गौ तस्कर की है, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक संदिग्ध गौ तस्कर एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। पकड़े गए बदमाश का नाम सुफियान है, उस पर कई मामले दर्ज हैं और पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट खंगाल रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की कोतवाली पुलिस और SOG की टीम ने काली नदी के पास चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान एक बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया तो वो नहीं रुका, बल्कि पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा, फरार होने लगा। पुलिस की टीम ने बदमाश का पीछा किया और एनकाउंटर में उसे घायल कर पकड़ लिया गया। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए अभियुक्त का नाम सुफियान है, जो जनपद शामली के 3 थानों में वांछित है। वो गौ तस्करी के मामले में भी लिप्त रहा है। इसी बीच उसका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पुलिस वालों से उसे छोड़ने की गुजारिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में सुफियान बोलता दिखाई दे रहा है कि गलती हो गई साहब, एक बार माफी दे दो, आगे से ऐसा नहीं होगा बाबूजी। पुलिस ने बताया कि बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बदमाश के ऊपर शामली जिले के थाने में गौकशी और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल बदमाश की हिस्ट्री शीट निकाली जा रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में 2 एक्स यूजर, मुस्लिम भीड़, 6 अंतर्राज्यीय चोर और एक गौ तस्कर फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Capital TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। Capital TV उत्तर प्रदेश।